क्लास नाइन नेक्स्ट यूनिट है ग्रेविटेशन। तो हम पहले ये देखते हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है। या क्लास नाइन्थ नेक्स्ट यूनिट है वर्क एनर्जी एंड ए पावर। तो इसमें हम स्टार्टिंग वर्क से ही करते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क देखिए, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और बॉडी चल पड़े तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, वर्क हुआ है। तो लिख लीजिए, व्हेन वी अप्लाइड ए बॉडी, लिखिए एक बार, व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स ऑन द बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस इट्स पोजिशन देन वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क इज सेड टू बी डन। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और बॉडी चल पड़े तो क्या बोला जाता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, कि वर्क हुआ है, वर्क इज सेट टू बी डन। हमने एक बॉडी पे फोर्स लगाया और बॉडी कुछ चली है, सम डिस्प्लेसमेंट एस ले लेते हैं, तो क्या बोला जाता है कि वर्क हुआ है। तो वर्क का सिंपल सा फार्मूला बनता है यहाँ से। तो सिंपल फार्मूला क्या है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल W इज इक्वल टू, फोर्स को F से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को S से लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए प्लस वन क्लासेस में एक एंगल भी आता है साथ में, इट इज कॉस थीटा। एक्चुअल में फार्मूला यह पूरा फार्मूला ये बनता है, ये नाइन्थ क्लासेस के लिए नहीं है। एफ एस कॉस थीटा इज फॉर प्लस वन क्लासेज, कॉस थीटा एंगल के साथ में। दिस इज द फार्मूला फॉर वर्क डन। सिंपल है, फोर्स लगाइए बॉडी डिस्प्लेस होगी तो वर्क हुआ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वर्क होने की कंडीशंस क्या हो सकती हैं। तो नेचर क्या होगा वर्क का, यहाँ से नेचर ऑफ वर्क पहला पॉइंट डाल सकते हैं हम लोग कि वर्क मे बी पॉजिटिव, वर्क मे बी पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव हो सकता है। कैसे हो सकता पॉजिटिव वर्क, आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और बॉडी फोर्स की ही डायरेक्शन में चले आगे ऐसे, ठीक है, बॉडी यहां पे आ गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपने फोर्स लगाया और बॉडी उसी डायरेक्शन में आगे चले तो हम क्या बोलते हैं कि वर्क क्या है, पॉजिटिव है। लिख लीजिए, पहला पॉइंट है वर्क में भी पॉजिटिव, व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स ऑन द बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क इज सेड टू बी डन, या वर्क मे बी पॉजिटिव। ओके, सेकेंड पॉइंट है इसका कि वर्क मे बी नेगेटिव, मे बी नेगेटिव, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, देखिए एक बॉडी चल रही है और आपने फोर्स लगाया उसकी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, तो जो आपने वर्क किया हुआ है वो क्या है, नेगेटिव है। तो राइट कीजिए, वर्क मे बी नेगेटिव व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स ऑन द बॉडी अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। इन दोनों पॉइंटों में ध्यान से देखिएगा, किसी बॉडी को चलाना हो तो क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। किसी चलती बॉडी को रोकना हो तो फोर्स क्या लगाएंगे हम लोग, उसके उल्टी डायरेक्शन में लगाएंगे, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। सिंपल है, किसी बॉडी को चलाना हो वर्क की वैल्यू पॉजिटिव होगी, किसी बॉडी को रोकना हो तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। थर्ड पॉइंट है इसका, वर्क मे बी जीरो, वर्क मे बी जीरो, वर्क जीरो हो सकता है। कैसे, आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और बॉडी चले ही ना, बहुत हैवी बॉडी हो, बॉडी चले ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, जीरो, तो वर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। फिर से बोलती है, आपने फोर्स लगाया और बॉडी ना चले तो वर्क की वैल्यू कितना होगा, जीरो। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, अगर आपकी बॉडी चल रही है ऐसे और आपने फोर्स लगा रखा है ऐसे परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, तब भी वर्क की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। यहाँ पे वर्क कितना होगा, जीरो। ये जीरो क्यों होता है, अब इनके बीच में जो एंगल बनता है इट इज 90 डिग्री। कितना एंगल होता है ये, 90 डिग्री। मैंने एक फार्मूला आपको लिखवाया था अभी, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है जीरो, और जीरो इंटू समथिंग आंसर क्या आएगा, जीरो।
यानी आपने अगर आपने सिर पे सामान रखा हुआ है और आप चल रही हो तो फिर इसके अकॉर्डिंग आपने कोई वर्क नहीं किया, उस वेट की वजह से आपने कोई वर्क नहीं किया, तो उस वेट की वजह से जो वर्क किया गया उसका वैल्यू कितना होगा, इट इज जीरो। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, इसको एसआई यूनिट जो होती है इसकी, इसको मापते हैं जूल के अंदर। किसे मापते हैं, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, जूल, इसको जे से लिखते हैं जूल। वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क वन जूल हो, कैसे हो सकता है, अगर आपने फोर्स लगाया वन न्यूटन का और बॉडी चले वन मीटर, तो जो वर्क आपने किया होगा इट इज वन जूल वर्क। तो लिख सकते हो वन जूल वर्क इज दैट वर्क व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स ऑफ वन न्यूटन एंड बॉडी डिस्प्लेस वन मीटर डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क इज वन जूल। वर्क क्या होगा आपका, वन जूल। इसका सीजीएस यूनिट भी होता है, ये होता है अर्ग बोलते हैं इसको, इट इज अर्ग। अर्ग को कैसे मापते हैं, वन अर्ग वर्क कब होगा, जब फोर्स होगा वन डाइन और बॉडी चलेगी वन सेंटीमीटर, यानी वन अर्ग इज दैट वर्क व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स ऑफ वन डाइन एंड बॉडी डिस्प्लेस वन सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क कितना होगा, इट इज वन अर्ग। देखो भाई वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज ए स्केलर, क्योंकि डायरेक्शन नहीं होता वर्क का, आपने फोर्स तो लगा दिया लेकिन वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं है, आपने किस डायरेक्शन में वर्क किया ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। टॉपिक एनर्जी क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी किसको बोलते हैं, लिख लीजिए, इट इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, इट इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी क्या होती है कि आपने कितना काम किया, ये क्या आपका एनर्जी है। यूनिट क्या होगा एनर्जी का भी, यूनिट ऑफ एनर्जी, ये भी जूल होगा क्योंकि वर्क को ही बोलते हैं एनर्जी हम लोग, ठीक है। एनर्जी की वैसे तो बहुत सी फॉर्म होती हैं, लेकिन स्टार्टिंग हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी से भी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगर कोई बॉडी चल रही है उसमें जो एनर्जी बनती है इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो लिख सकते हो द एनर्जी पोजेस इन द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला क्या होता है, सिंपल फार्मूला है, हाफ एम वी स्क्वेयर, इसमें m मास है, v वेलोसिटी है, 1/2 एम वी स्क्वेयर। इसको प्रूव करते हैं, देखिए प्रूफ सिंपल सा प्रूफ है, हमारे पास कोई बॉडी होगी जिसे अपने फोर्स लगाया होगा और बॉडी चली होगी विद सम डिस्प्लेसमेंट, एस मान लेते हैं, ठीक है, ये आंसर हो रहे हैं। इसमें मान लेता हूँ लेट एम क्या है, एम है मास ऑफ द बॉडी, यू क्या है इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, रेस्ट पे भी हो सकती है लेकिन पहले मान लेते हैं इसका यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, टी क्या है टाइम, और एस क्या है यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा, एस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल है भाई, जब भी आपको एनर्जी निकालनी पड़े तो क्या निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए उसका वर्क कितना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क इज इक्वल टू, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन ये है कि कितना फोर्स लगा होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, और कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, ये एस होगा। अब प्रॉब्लम है कि कितना डिस्प्लेसमेंट किया हमको पता नहीं है, ये हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशंस वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू टू ए एस। तो
तो यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस का वैल्यू कितना आएगा, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई टू ए, इस इक्वेशन से, इट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस वर्क के अंदर सारी चीज़ें हम रख सकते हैं, तुम्हारा आंसर कितना होगा देखिए, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स कितना है, फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ पे, इट इज वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई टू ए। तो हम क्या करेंगे, ए से ए को काटेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हुआ, वन बाई टू यहाँ से है एम वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। वर्क कोई क्या बोलते हम लोग कि एनर्जी है, इट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू वन बाई टू एम वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम लिखते हैं इनिशियली अगर बॉडी रेस्ट पे हो तो क्या होगा, इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे होगी तो यू का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इट इज इक्वल टू वन बाई टू एम वी स्क्वेयर, यू जीरो हो चुका है, दिस इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए अगर आप किसी बॉडी की शेप पोजिशन या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दोगे तो उसमें जो एनर्जी बनती है इट इज कॉल्ड ए पोटेंशियल एनर्जी। आपने एक बॉल को दबाया, स्प्रिंग को दबाया, छोड़ दो स्प्रिंग अपने आप वापस आ जाएगा, ऐसे जो एनर्जी उसमें बनी हुई है इट इज कॉल्ड ए पोटेंशियल एनर्जी। आपने पानी टंकी में डाल दिया ऊपर तो टंकी से पानी अपने आप नीचे आ जाता है, कौन सी एनर्जी के साथ, पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो लिख लीजिए एक बार, द एनर्जी पोजेस इन द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और शेप, ड्यू टू इट्स पोजिशन और शेप, इसका वैल्यू होगा देखिए, इट इज इक्वल टू एम जी एच, किसके बराबर होता है एम जी एच। इसको प्रूव करते हैं, देखो सिंपल प्रूफ है इसका, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास एम मान लेता हूँ, इसको उठा के लेके जाना है इस हाइट के ऊपर, यहाँ तक लेके जाना है एट हाइट एच, कितना हाइट पर लेके जाना है इसको एच। इस बॉडी का वेट कहां पे होता है, वेट हमेशा होता है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, इट इज एम जी, इसमें उसको उठाने के लिए फोर्स लगाएंगे, मैं एफ लगा रहे हैं यहां पे, तो यहां से जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू कितना हो सकता है, इट इज एम जी, और कितना डिस्प्लेसमेंट किया आप लोगों ने एच। जब भी आपको एनर्जी निकालनी पड़े तो क्या निकाल लीजिएगा, वर्क निकाल लीजिए। तो सिंपल है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स का वैल्यू है एम जी और डिस्प्लेसमेंट है एच, तो एनर्जी कौन सी बन गई, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट है भाई, इसमें नेक्स्ट टॉपिक बनता है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, एक्चुअल में ये कम्बिनेशन है दोनों का, काइनेटिक और पोटेंशियल का, तो ले सकते हो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर कोई बॉडी चल रही है उसके पास मोशन भी है और अपनी पोजीशन भी क्या करी लगातार चेंज कर रही है, तो उसमें कौन सी एनर्जी हो सकती है, इट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो सिंपल फार्मूला बनता है इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस एम जी एच प्लस एम जी एच, दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी। अब डिफरेंट फॉर्म है एनर्जी की, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपने बहुत से सुना होगा एनर्जीज के बारे में, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी बहुत तरह की हैं। पहला है हीट एनर्जी, कई तरह की एनर्जी हो सकती हैं हीट एनर्जी। एनर्जी कौन सी होती है, अगर हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं जो एनर्जी निकलती है इट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। सेकेंड सुना होगा सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये एनर्जी कौन सी होती है, जो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमको, फ्रॉम सनलाइट, द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। थर्ड है वेव एनर्जी,
वेव चलती हैं उनसे जो एनर्जी बनती है इट इज कॉल्ड वेव एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, कोई भी एटॉमिक रिएक्शंस करवाने से एनर्जी बनती है एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं उसको। फिफ्थ पॉइंट है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी किसी भी केमिकल को बर्न करने से जो एनर्जी बनती है इट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको करंट भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो चार्ज के फ्लो होने से बनती है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, कई तरह की है। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी हवा के बहने से या फ्लो ऑफ एयर की वजह से जो एनर्जी बनती है इट इज कॉल्ड विंड एनर्जी। कई तरह की फॉर्मेशन है हमारे पास, कई तरह की फॉर्म है एनर्जीज की। क्वेश्चन ये है क्या हम एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बल्ब क्या कर रहा है, बल्ब यूज कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी को और उसको कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी के अंदर, तो बल्ब में किस तरह का हो रहा है कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिक टू लाइट एनर्जी। अगर फैन चल रहा है तो क्या होगा इलेक्ट्रिक टू विंड एनर्जी या इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं। अगर कोई व्हीकल चल रहा है वो क्या करता है केमिकल एनर्जी को यूज़ करता है यानी पेट्रोल से और डीजल को यूज़ करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है वो सारा मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। तो किसी एक एनर्जी की फॉर्म को हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है ये लिखिएगा। इट स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट वी कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या बोल रहा है ला ये, हम एनर्जी को न तो बना सकते हैं न एनर्जी को हम खत्म कर सकते हैं, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं सिंपल एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए ये कोई हाइट एच है, यहाँ से आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया, इसका मास एम मान लेता हूँ, ये हाइट एच मान लेते हैं कंप्लीट हाइट, तो बॉडी नीचे आएगी। इनिशियली बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है, अब बॉडी नीचे आ रही होगी, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, या रास्ते में जब नीचे गिर रही होगी तो रास्ते में कोई पॉइंट आया होगा इट इज़ बी पॉइंट। उसके बाद बॉडी कहाँ पहुँच गई, ग्राउंड पर पहुँच गई इट इज़ सी पॉइंट। अगर मैं प्रूव कर दूं कि तीनों पॉइंटों पर एनर्जी की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो हम क्या बता सकते हैं कि एनर्जी क्या हमारी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि पॉइंट ए पे एनर्जी कितना होगा। तो हम देखते हैं एट पॉइंट ए, मैं मान लेता हूं लेट एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी। अब ए पॉइंट पे चेक कीजिए, बॉडी रेस्ट कंडीशन के ऊपर है, अगर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी कितना होगा इसका, जीरो होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सिंपल है हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं इसको, वेलोसिटी वैल्यू जीरो तो जीरो इनटू समथिंग आंसर इज जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इट इज एम जी एच, हाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक का, हाइट इज एच, कंप्लीट हाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक का, ये एच ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वैल्यू कितना हुआ एम जी एच, तो टोटल एनर्जी कितना हुआ, इट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो सिंपल है भाई, ये जीरो हो गया प्लस ये क्या है एम जी एच, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई वन, इट इज एम जी एच। तो एट पॉइंट ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी, इट इज एम जी एच। एट पॉइंट बी, बी पे बॉडी आ चुकी है तो कुछ ना कुछ तो चली होगी डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, कंप्लीट हाइट एच था, इसमें से एक्स माइनस किया तो इट इज एच माइनस एक्स, ये बची हुई है। एट पॉइंट बी, बी पर चेक करते हैं, अब बी पॉइंट पे कितना वेलोसिटी है ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, बाई यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू टू ए एस। वी स्क्वेयर तो निकालना है फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, इनिशियल जीरो का स्क्वेयर जीरो करोगे, ये जब जीरो है, टू बॉडी गिर रही है विद एक्सेलरेशन जी,
इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया बॉडी ने, इट इज एक्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी स्क्वेयर, इट इज 2gx। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सिंपल फार्मूला, हाफ एम वी स्क्वेयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी स्क्वेयर, इट इज इक्वल टू 1/2 m 2gx। तो 2 से 2 काट दूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इज mgx। कितना वैल्यू होगा mgx, ये वैल्यू है एनर्जी का इस पॉइंट के ऊपर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है mg हाइट। हाइट कितना है, हाइट इतना है, इट इज h-x। तो टोटल एनर्जी कितना होगा एट पॉइंट बी, इसको मैं ए2 ले लेता हूं, तो सिंपल लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इज mgx प्लस पोटेंशियल कितना है mgh-x। इसको सोल्व करें, ई2 का वैल्यू कितना होगा mgx प्लस mgh-mgx। mgx से mgx काट सकते हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई2, इट इज इक्वल टू mgh। दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी एट पॉइंट बी। बी पे इसका आंसर ये होगा। एट पॉइंट सी पे चेक करते हैं, सी पे यहाँ पे बॉडी पहुंच चुकी होगी विद सम वेलोसिटी, पता नहीं कितनी वेलोसिटी से पहुंची होगी। तो वी निकाल लेते हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। वी स्क्वेयर निकालना है, इनिशियली कितना है u, 0 का स्क्वेयर 0 लिखोगे 2। व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बॉडी नीचे गिर रही है। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, इट इज h। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी स्क्वेयर, इट इज 2gh। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इज 1/2 mv2। और वी स्क्वेयर का वैल्यू मेरे पास है, इट इज 1/2 × m × v2। कितना है 2gh, 2 से 2 काट दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इज mgh। कितना वैल्यू होगा mgh। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर चेक कीजिए कितना हाइट है, हम ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं, हाइट की वैल्यू 0, तो mgh की वैल्यू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये 0 हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E3 एट पॉइंट सी, सिंपल लिखोगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E3, इट इज mgh। दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल कितना हो गया 0। तो तीनों पॉइंटों पे अगर मैं चेक करूं, तीनों पॉइंटों पे एनर्जी की वैल्यू क्या है, सेम है, एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, एनर्जी की वैल्यू क्या है हर जगह पे, क्या होती है, कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है पावर, क्या होता है पावर। देखिए व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी था एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। पावर क्या है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इन ए गिवन टाइम, इन ए गिवन टाइम। ये ले सकते हैं इसको द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, यानी कितना वर्क कितने टाइम में हुआ है उसको क्या बोलते हैं, पावर, W/T को। W/T क्या होती है, पावर। यूनिट क्या होती है पावर की, यूनिट ऑफ पावर को लिखते हैं वाट, W/T। ये साइंटिस्ट नेम पे डाली गई है, जेम्स वाट के नाम से है। अगर हम बोलें कि 1 watt पावर इज इक्वल टू, तो वर्क कितना होगा 1 joule, किस टाइम में, 1 second में। तो 1 watt पावर को डिफाइन कीजिए, 1 watt पावर इज दैट पावर व्हेन वी डू 1 joule वर्क इन 1 second, 1 joule वर्क इन 1 second। कुछ बड़ी यूनिट भी होती हैं, किलो वाट सुना होगा, 1 kilowatt, ये होता है इसको इसको लिखते हैं kW से भी, किलो वाट, इट इज इक्वल टू 1000 watt के बराबर होता है किलो। और 1 horsepower, HP सुना होगा हॉर्स पावर, 746 watt के बराबर होता है ये, ठीक है। ये था भी आपका व्हाट इज पावर।
नेक्स्ट टॉपिक है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी को अगर बाजार में बेचना हो तो किस यूनिट में बेचा जाए, यानी हम बाजार से एनर्जी खरीद रहे हैं, कौन सी एनर्जी खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी खरीद रहे हैं, तो इसका यूनिट क्या हो सकता है। सिंपल है, पावर क्या होता है, डब्ल्यू वाई टी लिखते हैं हम लोग, वर्क को ही एनर्जी बोलते हैं, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू टी। तो व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये क्या होती है, किलो वाट हावर्स, क्या होती है, किलो वाट हावर्स। पावर को मापते हैं किलो वाट के अंदर और टाइम को मापते हैं हावर्स के अंदर, तो 1 kWh इज इक्वल टू 1 kWh इंटू 1 hours, 1 kWh। अगर उसका वैल्यू देखा जाए इन टर्म ऑफ जूल, किलो वाट इज इक्वल टू 1000 watt और टाइम हावर्स में 60 मिनट होती हैं, हर एक मिनट में 60 सेकेंड होती हैं, तो 1 kWh इज इक्वल टू 36 और 50 लगाते हैं, इट इज जूल। 1 kWh इज इक्वल टू 36 10^5 जूल के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल है, इट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी।